यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65। यशायाह अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहता हूं, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलती है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते और कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं। ये मेरी नाक में धुएं के और दिन भर जलती हुई आग के समान है। देखो मेरे सामने यह बात लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उनकी गोद में पलटा भर दूंगा, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का पलटा, जो उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निंदा के रूप में किए है। मैं यहोवा कहता हूं कि इनके कामों को मैं पहले इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को न नाश करो, और मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, और मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे, और मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी तो भेड़ बकरियां शारोन में चरेगी और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो और भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया है और जिससे मैं अप्रसन्न हूं उसी को तुमने अपनाया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेत के मारे हाय हाय करोगे, और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको तो नाश करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और सारे देश में जो कोई शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंद बनाऊंगा, और मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूंगा, और उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी तो 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे तो बनाए और दूसरा बसे, वा वे तो लगाए और दूसरा खाए,
क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा और न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश है और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। और ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही के मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है।